चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहां पर आपको एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण यहां पर हिंदी के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों। यहां पर दोस्तों हमने हिंदी के गत वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर हमारी त्रुटियां होती हैं और किस तरह हम उनको ठीक करते हैं दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक यहां पर देखिएगा दोस्तों, और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का दोस्तों और ट्रेकों का आप लुत्फ उठाइएगा। देखिए दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर हिंदी में 25 क्वेश्चन दिए रहते हैं दोस्तों, जिनमें आपको निर्देश के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देखिए आपको यहाँ पर निर्देश क्या दिया दोस्तों, पहले वाले में दिए गए वाक्यों में दोस्तों कुछ त्रुटियाँ हैं जो आपको यहाँ पर ठीक करनी है या फिर आपको बतानी है कहाँ पर त्रुटि है। देखिए दोस्तों, आपका पहला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, आसमान में काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, आसमान में काले बादल छाए हैं, यहाँ पर आपका हैं लगाया ये ठीक है, लेकिन मेघ पानी बरसते हैं ये गलत हो गया दोस्तों आपका, क्योंकि मेघ पानी बरसते नहीं बरसाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाले में त्रुटि है, तो ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है आपका, राधा और श्यामा सहेली हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, राधा और श्यामा बहुवचन में चला गया और सहेली हैं लगाया ये भी आपका ठीक है, लेकिन दोस्तों वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ये गलत हो गया दोस्तों आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में गलत किया है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह क्या करेंगे, तो स्नेह करती हैं होना चाहिए यहाँ पर, करते हैं या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में आएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दोबारा गलती हो गई। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, अनुशासित। दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए अनुशासित भी गलत लिखा है, हालांकि ये त्रुटि वाला नहीं है आपका, वर्तनी वाला नहीं है, तो लिखने में त्रुटि हुई है, तो अनुशासित होगा ये आपका, छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये गलत हो गया, आती है नहीं होना चाहिए था आपका, आते हैं होना चाहिए था, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपका गलत किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत हो गया। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि आपके तीनों तीन क्वेश्चनों में आपने देखा दोस्तों यहाँ पर लिंग के आधार पर या फिर आपको दोस्तों एक वचन या बहुवचन के आधार पर यहाँ पर त्रुटियाँ दी थी, तो आप इनको क्लियर कर लेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और दोस्तों एक वचन और बहुवचन आपके हिंदी में जो होते हैं उनको भी आप क्लियर कर लेंगे, तो आपके दोस्तों खुद ही आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे। अगला दोस्तों आपको यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिया है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरिए दोस्तों, उचित शब्द का इस्तेमाल करके आपको रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, पहला आपको क्या दिया दोस्तों, गांधी जी छुआछूत के क्या थे, अब आपको यहाँ पर भरना है समर्थक थे, विरोधी थे या फिर अनुयायी थे। दोस्तों आपको दोस्तों क्लियरली पता होगा कि वो विरोधी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, जंगल में लगी आग कहलाती है। दोस्तों बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन आपका, दोस्तों दावानल कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवश्यकता डैडेस करके की जननी है। दोस्तों आवश्यकता काहे की जननी है, ये दोस्तों आपकी तिरस्कार की या फिर आविष्कार की या फिर अन्वेषण की या फिर इच्छाओं की, दोस्तों ये आपकी आविष्कार की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप आविष्कार मत बोलिएगा, आविष्कार होता है, क्योंकि आपका वर्तनी में अगर यही पूछा गया तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, तो हर एक शब्द को आप देखेंगे तो उनका उच्चारण आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, आविष्कार आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर, वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की डेडेस है। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती लिखने में हुई है, तो ये बाढ़ आपका होगा और यहाँ पर आपका की होगा। दोस्तों देखिए लोग बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ नहीं होता, बाढ़ होता है, आप ध्यान देंगे तो वर्तनी में आप ये आपके क्वेश्चन आएंगे तो इनको आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको रिक्त पद फिलहाल यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर क्या होगा, संभावना है या शंका है या आशंका है या फिर आशा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की क्या होती है, आशंका होती है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर रिक्त पद वाले देखे, अब हम अगले निर्देश के क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए शब्दों में पर्याय के लिए चार विकल्प दिए दोस्तों, आपको उचित विकल्प का इस्तेमाल करके आपको भरना है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब आपको पता होगा, जो आपके सिनोनियम होते हैं या फिर आप कहें उनको उपनाम होते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला यहाँ पर क्या दिया है, सुधा। दोस्तों सुधा का मतलब क्या होता है, सुधा का मतलब दोस्तों आपका अमृत होता है, पीयूष होता है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला अमृत यहाँ पर दिया है, तो आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बसंत यहाँ पर दिया है आपको, बसंत मतलब दोस्तों आपका आपको पता होगा ऋतु होती है बसंत हमारी, तो बसंत का मतलब परमार या ऋतुराज या फिर चंद्रिका या फिर मयूर। दोस्तों यहाँ पर बसंत का उपनाम ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि ऋतुओं में सबसे प्रसिद्ध और महान मानी जाती है दोस्तों, तो ये आपका ऋतुराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, हवा। दोस्तों हवा का आपको यहाँ पर पर्याय बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिए हैं खमीर या चमन या बगीचा या फिर समीर।
दोस्तों यहाँ पर आपका समीर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले ये आपके पर्यायवाची वाले थे दोस्तों, अब निर्देश हम देखते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए दोस्तों, आपको उचित विकल्प का इस्तेमाल करके उत्तर पुस्तिका में भरना है। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर विलोम वाले आप बताने, विलोम मतलब जो विपरीत अर्थ रखते हैं दोस्तों। हमने अभी अपनी वीडियो में भी दोस्तों आपको बताया था, या आप चाहें तो दोस्तों हमारी वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विलोम वाले जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गत वर्षों में पूछे गए थे उनका हमने एक वीडियो बनाया, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ गया अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए उपस्थिति का विलोम क्या होगा, उपस्थिति मतलब दोस्तों आपकी मौजूदगी होती है जब आदमी प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसका विलोम क्या होगा, बदमाश होगा या फिर आलसी होगा या फिर अनुपस्थित होगा या फिर कामचोर होगा। ये दोस्तों आपका अनुपस्थित हो जाएगा, जो उपस्थित नहीं है वो अनुपस्थित। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सरल। दोस्तों सरल का मतलब यहाँ पर आसान होगा या हथीन होगा या दुर्गम होगा या सुलभ होगा। दोस्तों देखिए सरल का मतलब आपका कठिन हो गया, लेकिन कठिन आपका यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों, आपका हथीन दिया है, जो आपका हथीन और कठिन एक ही बात है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हथीन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखिए थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज कहाँ पर होता है, यदि आपको चार विकल्पों में दोस्तों तीनों के अर्थ आते हैं तो आपको चौथा पता लग जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दुर्गम। दोस्तों दुर्गम मतलब क्या होता है, दुर्गम दोस्तों यहाँ पर दुर धन गम से बना है, गम धातु से दोस्तों, गम मतलब जाना होता है, तो जहाँ जाना दोस्तों कठिन हो वो आपका दुर्गम कहलाता है। तो उसके लिए क्या आएगा, सरस आएगा या फिर सुगम आएगा या फिर संगम आएगा या फिर सरल आएगा। दोस्तों ये आपका सुगम आएगा, क्योंकि जहाँ जाना सरल होता है दोस्तों वो आपका सुगम हो गया, सुधन गम। अब दोस्तों देखिए हम अगले निर्देशों के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चनों को देखेंगे। ये आपके पर्यायवाची वाले थे, अब हम देखते हैं यहाँ पर दिए गए चार वाक्यों में से दोस्तों शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चुनना है। तीन आपके अशुद्ध वाक्य होंगे दोस्तों, एक ही आपका शुद्ध होगा, वो आपको चयन करना है। देखिए दोस्तों पहला आपको यहाँ पर दिया है, मैंने इन फूलों में एक माला बनाया था। दोस्तों आपको यहाँ पर शुद्ध मिल गया तो आप आगे नहीं देखेंगे, वो आप टिक कर देंगे। तो दोस्तों पहला वाला आपका गलत है। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, मैंने इन फूलों से माला बनाया था, दोस्तों ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जो माला आएगी दोस्तों, माला आपकी स्त्रीलिंग में आएगी, यहाँ पर आपका बनाई होना चाहिए था। अगला दोस्तों देखिए, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही माला बनाई है और बनाई भी यहाँ पर लिखा गया, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो गया, ज़्यादा आप चेक नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है। ये गलत है दोस्तों बिल्कुल आपका, वे यहाँ पर लिखा गया बहुवचन का है दोस्तों वे, और यहाँ पर खेलता एक वचन का है। अगला देखिए दोस्तों, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं। दोस्तों ये आपका बिल्कुल ठीक है, वे आपका यहाँ पर बहुवचन में है और दोस्तों हैं भी आपका बहुवचन में है। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर है में अनुस्वार लगाया, देखिए जहाँ पर है आपका लिखा गया है वहाँ पर अनुस्वार लगाया, जो आपका बहुवचन को दिखाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अनुस्वार लगने से दोस्तों बहुवचन बन जाता है, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इनको गौर से देख लीजिए। दोस्तों जहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा वो आपका बहुवचन बन जाएगा। दोस्तों देखिए पहला वाला आपका यहाँ पर क्या है, वे मेरे पूज्य हैं। अगला आप देखिए, वे मेरे पूजनीय है। दोस्तों देखिए पूजनीय है लिखा गया यहाँ पर, देखिए वे मेरे पूजनीय है, वे मेरा पूज्य है, तो सभी में आपका वही गलती की है दोस्तों, है लिखा है इन्होंने आखिर में, तो आपका पहला वाला दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार के साथ वे के साथ हैं आया, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखे शुद्ध अशुद्ध वाले, इनमें आपके दोस्तों एक वचन और बहुवचन और दोस्तों स्त्रीलिंग पुलिंग वाले मिस्टेक होते हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे, तो आप क्लियर कर लेंगे इनको दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला यहाँ पर निर्देश के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है, हमारे दोस्तों दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ यहाँ पर बताने वाले चार वाक्य आपको दिए हैं दोस्तों, जिनमें से आपको उचित अर्थ वाला विकल्प चुनना है। दोस्तों पहला आपको यहाँ पर दिया है ईद का चांद होना। दोस्तों ईद का चांद होना मतलब बहुत ही मशहूर यहाँ पर आपका यहाँ पर मुहावरा है दोस्तों, जो दोस्तों बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है उसके लिए ईद का चांद होना आता है, तो आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, मुँह की खाना। दोस्तों मुँह की खाना मतलब दोस्तों कार्य में जुड़ जाना या फिर पराजित हो जाना या फिर विजयी हो जाना या फिर प्रतिहरणा पूर्ण करना। दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला पराजित हो जाने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री गणेशाय करना अर्थात दोस्तों प्रारंभ करना या समाप्त करना या पूजा करना या फिर विनती करना। दोस्तों प्रारंभ करने को ही श्री गणेशाय कहते हैं, श्री गणेश करना मतलब जब कोई भी काम शुभारंभ होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम अगले यहाँ पर निर्देश के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को देखते हैं। आखिरी वाला यहाँ पर क्या है, देखिए दिए गए वाक्यों के लिए दोस्तों प्रत्येक वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। दोस्तों आपका एक वाक्यांश होगा दोस्तों, एक वाक्य होगा पूरा, जिसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए पहला वाला आपका क्या है, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो। दोस्तों गुरु की दीक्षा लेने वाले को दोस्तों दीक्षित कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ पर आपका 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। दोस्तों आपकी मासिक पत्रिका कहलाती है, वार्षिक पत्रिका कहलाती है, फिर साप्ताहिक पत्रिका कहलाती है या फिर पाक्षिक पत्रिका कहलाती है।
दोस्तों देखिए हमारे 15 दिन के लिए एक पक्ष का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों 15 दिन में एक बार छपने वाली पाक्षिक हो गई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, सर से पैर तक। दोस्तों सर से पैर तक मतलब चरण स्पर्श करना, या फिर शीर्षासन करना, या आपाद मस्तक करना, या फिर पाद मस्तक करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सर से लेकर पैर तक होता है दोस्तों, वो आपका पद अर्थात पैरों से लेकर मस्तक तक दोस्तों आपाद मस्तक कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आखिरी वाला आपका क्या निर्देश यहाँ पर दिया आपको, दिए गए शब्दों में दोस्तों केवल एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आपको यहाँ पर वो चुनना है दोस्तों। एक हमेशा आपका यहाँ पर दोस्तों वर्तनी वाला अवश्य ही आता है दोस्तों, तो वर्तनी वाला भी आप तैयार कर लेंगे, ये आपका उच्चारण के आधार पर और आपकी स्पेलिंग के आधार पर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला आपको दिया श्रृंगार, और अगला दिया आपको श्रृंगार, फिर दिया श्रृंगार, फिर आपको श्रृंगार दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी इन्होंने जो लिखे हैं ये आपके गलत हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार होना चाहिए, लिखने में गलत भी है दोस्तों आपका, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर आपको एक ऑप्शन सही वाला दिया रहेगा, तो आप हमने यहाँ पर सही लिखा आप देख लीजिए, तो यही आपका श्रृंगार होता है। यहाँ पर री की मात्रा लगती है दोस्तों, र यहाँ पर नहीं लगता है। अब अगला देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, और उत्कर्ष है, और उत्कर्ष है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला है उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब दोस्तों आपका खींचना होता है, या फिर दोस्तों उन्नति करना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। देखिए केवल आपका क्षय और क्षय के कारण भी अंतर हो गया दोस्तों, तो ये आपको बहुत ध्यान देना, कहाँ पर मूर्धन्य आपका आएगा, कहाँ पर तालव्य भी आएगा, और कहाँ पर आपका दंत्य आएगा दोस्तों। अब देखिए अगला आपका यहाँ पर आखिरी वाला क्या है, विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो विद्या का अर्थी होता है अर्थात लेने वाला होता है दोस्तों विद्या को, वो आपका विद्यार्थी कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों आपने, जो हिंदी में हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं बहुत आए, और दोस्तों यही क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जाते हैं इस तरह के, वहाँ पर क्वेश्चन आपका अलग हुआ लेकिन दोस्तों आपके निर्देश बिल्कुल यही होंगे, तो आप इनको तैयार कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों को हम लगातार आपको बताए जाएंगे दोस्तों, और इनके आधार पर टॉपिक भी हमने यहाँ पर डाले हैं दोस्तों, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के लेकर। ओके थैंक्स।